ओके okay, नमस्कार आदाब सत्याकाल मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज एनालिसिस में, में। उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे हैं अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी आज है 8 फरवरी 2024 करते हैं इसकी शुरुआत एक और दिन एक और नया दिन आ चुका है अब तो खैर नया साल शुरू हुए कितने टाइम हो गया तीस आठ अड़तीस थर्टी एट डेज हो चुके हैं ना जिन लोगों ने एक तारीख को एक जनवरी को बहुत ही बड़े बड़े रेजोल्यूशंस रेवोल्यूशंस के रूप में लिए थे है ना अब तक खैर वो ठंडे हो गए होंगे जिन लोगों ने एक तारीख से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया था उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आ गए होंगे क्योंकि अब तक तो उन्होंने या तो करंट अफेयर छोड़ दिया होगा पढ़ना या फिर अभी तक कंटिन्यू कर रहे होंगे लेकिन मैक्सिमम लोगों ने छोड़ दिया होगा पढ़ना क्या ही करना करंट अफेयर्स पढ़ के बाकी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम देते हैं करंट अफेयर्स तो ऐसे ही हो ही जाएगी करंट अफेयर्स तो लास्ट मोमेंट पर हम कंपाइलेशन पढ़ ही लेंगे लास्ट मोमेंट पर हमें एक छोटी सी पीडीएफ मिल ही जाएगी है ना इसी सोच के साथ उन्होंने करंट अफेयर्स को भी छोड़ दिया होगा कि लास्ट के लिए छोड़ देते हैं है ना और जिन्होंने इस तरह का कारनामा कारनामा किया है है ना कारनामा किया है कारनामा ही है एक प्रकार से एक टैलेंट ही अपने आप में इस तरह का एक रिस्क लेना है ना जिन्होंने भी किया है और उम्मीद करता हूँ उनको उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट भी आउटपुट जो है वो भी मिलेगा एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे टैलेंटेड होते हैं जो जिनको रिटेनिंग पावर बहुत शानदार होती है जिनकी पढ़ने की क्षमता बहुत शानदार होती है और लास्ट मोमेंट पे वो 20-25 दिन में भी पिछले छः महीने करंट अफेयर्स को इतना रटते हैं इतना रटते हैं कि एग्जाम में सम्मानजनक स्कोर आ जाता है लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन लोगों को रिटेनिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती लास्ट मोमेंट पर होच पोच हो जाता है क्योंकि मेंस एग्जाम की तैयारी भी करनी है सब कुछ करना है तो इसलिए आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर द करंट अवेयर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस रेगुलर बेसिस पे करते रहिए अगर आपको किस दिन लगता है कि यार आज नहीं कर पा रहा हूं या कोई भी ऐसा दिन लगता है तो हफ्ते में कोई ना कोई ऐसा दिन निकालिए जिस दिन उस बैकलॉग को कंप्लीट कर लीजिए बैकलॉग कभी भी एटलीस्ट पाँच से छः दिन के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए अगर आपका बैकलॉग चला जाता है पाँच से छः दिन के बियॉन्ड फिर अगले पाँच से छः दिन में फिर से कोई बैकलॉग क्रिएट होगा तो आपके ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कोशिश कीजिए अगर किसी दिन करंट अफेयर्स नहीं हो पाई फॉर वट्स एवर रीजन इज देयर है ना किसी भी कारण में चाहे पर्सनल रीज़न हो चाहे स्टडी का रिलेजन रीज़न हो कुछ भी कारण हो कि उस दिन किसी और टीचर ने बहुत बड़ी क्लास ले ली किसी टीचर ने मैराथन ले ली जी आज करंट अफेयर्स को उतना टाइम नहीं दे पाऊँ क्योंकि वो भी रिवाइज करनी है तो उस दिन के करंट अफेयर्स को विद इन फाइव सिक्स डेज निपटा दिया कीजिए छोड़ के मत रखा करिए कि चल यार पंद्रह दिन बाद कर लूंगा बीस दिन बाद कर लूँगा फिर वो पंद्रह बीस दिन के बीच में फिर कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप Uh, फिर से छोड़नी पड़ेगी और बैकलॉग पे बैकलॉग जब क्रिएट होता है तो फिर रूटीन वाली जो क्लास है ना वो डिस्टर्ब होती है फिर क्या करते हैं हम फिर करते हैं कि रूटीन वाली जो क्लास है ना अच्छा आज ऐसा करते हैं आज वाली करंट अफेयर्स नहीं देखते वो पिछले दिन की करंट रहेगी तो ना उसको आज कर लेते हैं तो ये एक सिलसिला रहे चलता रहेगा चेन रिएक्शन चलता रहेगा तो इसलिए बैकलॉग को क्र... क्लियर करते रहिए वीकली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है उसको करते रहिए वीकली क्विज जो हैं, उनको लगाते रहिए क्योंकि आप करंट अफेयर्स याद करते रहेंगे याद करते रहेंगे, याद करते रहेंगे लेकिन जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे ये आपको वीकली रिविजन वीकली क्विज़स, मंथली क्विज़स इन्हीं से आइडिया लगेगा और उम्मीद है कि आप वीकली मंथली जो क्विज़स हैं उनको भी साथ साथ अटैम्प्ट ज़रूर कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि वही अल्टीमेटली आपकी द्वारा जो चीज़ें पढ़ी गई हैं उनको रिटेन करने में बहुत हेल्प करेंगे है ना और अकेला डेली 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 करके अपने आप को अगर आप तरम तो खास समझ रहे हैं तो फिर वही गड़बड़ आप कर रहे हैं फिर इट्स बेटर कि हम हाँ डेली डेली अकेला करना और वीकली रिवीजन मंथली रिवीजन ना करना इट्स इक्वलेंट टू दी छः महीने करंट अवेयर छोड़ दो और लास्ट में मेंस में के एग्जाम से दस दिन पहले पढ़ लो फिर वही कर लो फिर डेली वाली करके और अगर वीकली मंथली का रिविजन ही नहीं कर रहे अगर क्विज ही नहीं लगा रहे डेली बेसिस पर तो वीकली बेसिस पर तो ये बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ें जो कि करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट में आपका एक अच्छा स्कोर बढ़िया स्कोर मोर देन रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टेबल स्कोर जो जिसको मैं कहता हूँ उसको हासिल करने में आपकी मदद करती है ठीक है इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज है 8 फरवरी 2024 और ये कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है इनकेस आप पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो पढ़ सकते हैं ठीक है और एट द रेट के आर्ट पर सर्च करेंगे मेरे टेलीग्राम को तो चाहिए आपको वहाँ पर मेरी साइड क्लासेस की पी मिल जाए और लर्निंग इति हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा जिस पर आपको सुबह ग्यारह बजे क्वांट और रीजनिंग के प्रलम्स और मेन्स लेवल के क्विज मिलती हैं और साथ ही साथ स्पीड मैथ्स के क्विज भी यहाँ पर लर्निंग इति ऐप पर अवेलेबल रहते हैं एंड हमारा पेड कंटेंट लर्निंग की वेबसाइट और ऐप दोनों पर अवेलेबल है चाहे मेरे कोर्सेज हों या फिर क्वांट के रीजनिंग के इंग्लिश के जितने भी कोर्सेज़ हैं एक्सक्लूसिव कोर्सेज़ भी हैं कोम्बो पैकेज भी है जहां पर आप मेरे साथ मेरे बाकी सारे जो साथी हैं टीम शार्क जो हैं उन सबके कोर्सेज और कोम्बो पैक में भी परचेज़ कर सकते हैं एनुअल पैक जो कहते हैं उसको एनुअल कोम्बो पैक उसमें भी परचेज कर सकते हैं उसमें आपको सारे के सारे टीचर्स के क्लासेज एक्सेस मिल जाएगा ठीक है चाहे क्वांट हो चाहे रीजनिंग हो चाहे इंग्लिश हो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं फिलहाल और साथ ही साथ एस बी ए क्लर्क मेन्स के प्रैक्टिस बैचेस भी चल रहे हैं ठीक है तो दोनों चीजें चल रही हैं चाहे हर्षल सर का जीरो टू तो इन्फिनिटी फाउंडेशन बैच चल रहा है स्मृति मैम का रीजनिंग ब्लू प्रिंट चल रहा है इंग्लिश uh, वाले सर का भी अपना इंग्लिश का फाउंडेशन बैच चल रहा है तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं हमारी टीम से चुनना चाहते हो तो कोम्बो पैक ले लीजिएगा जिसमें आपको चारों टीचर्स के यहाँ पर मेरा एस एक स्टूडेंट कल पूछ रहा है कमेंट सेक्शन में कि सर एस बी क्लर्क मीन्स का रिविजन स्टार्ट कर दिए सर पेड क्लास में बेटा एस बी क्लर्क मीन्स का रिवीजन ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी चल रही हैं क्लासेस आज हमने दिसंबर थर्ड वीक की रिवीजन करनी है राइट हाँ दिसंबर थर्ड वीक की रिवीजन की क्लास आज इस क्लास के तुरंत बात होने वाली है तो क्लासेस चल रही हैं आओ तो सही मोस्ट तो वेलकम आपके लिए थाली सजा कर बैठे हैं आरती उतारने के लिए बैठे हैं आओ तो सही देखो तो सही क्लास में चल क्या रहा ठीक है।, है ओके चलो और ये मेरे पी डी एफ प्लस क्विजेस कोर्स के बारे में है दो कोर्सेज हैं मेरे एक्सक्लूसिव अगर लेना चाहते हो अकेले तो ये पी डी एफ प्लस क्विजिज कोर्स बट आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर दिस कोर्स जिसमें वीडियो कोर्सेज जिसके अंदर रिविजन क्लासेज जो मैं ले रहा हूँ वो इसी कोर्स के अंदर चल रही हैं रिविज़न भी होगा पी डी एफ भी मिल जाती हैं और जो क्लास की पी डी एफ के अलावा है ना पी डी एफ्स और क्विजेस बहुत सारे इतने क्विजेज हैं इतने क्विजेज़ हैं है कि आप लगाते लगाते थक जाओगे लेकिन क्विजेज़ नहीं खत्म होंगे इतने क्विजेस आपको दे रहा हूँ मैं ठीक है चलो आज के फर्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं आज बहुत सारा ज्ञान आपको दिया गया है इस सेशन के स्टार्ट में ठीक है जिन लोगों को स्किप करने की आदत है और सीधा यहाँ पर आने की आदत है उन लोगों को कह दूँ कि कुछ चीज़ें ज्ञानवर्धक चीज़ें हम सेशन के पहले सेशन स्टार्ट होने से पहले दे देते हैं तो कृपया करके उनको सुन लिया कीजिए है ना टू एक्स पे एक बार चला लिया कीजिए इनके कोई ऐसी मैं बात कह दूँ जो मिस हो जाए फिर बाद में आप ही कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी बता दो अभी मैंने कुछ बताया था है ना शुरुआत में सुन लेना अगर आप स्किप करके सीधा यहाँ पर आए तो डेली बेस पर टू एक्सपे चला कर उस मोमेंट को उस जो दो मिनट तो हमारे लगता है ना वेस्ट हो जाते हैं हमारे उस दो मिनट को एक मिनट में सुन लिया करो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात डेली वैसे मिस ना हुआ कहें ठीक है जिंदगी में और भी चीज़ें हैं जहाँ से टाइम बचा सकते हो इन चीज़ों से टाइम बचा कर कहीं नहीं कुछ नहीं मिलेगा कुछ शायद नॉलेज ही मिलेगी अगर स्टार्टिंग में कुछ बता रहा हूं तो स्किप मत किया करो रिक्वेस्ट है ठीक है चलो अरे यार फोन बंद हो गया ये कैसे हो गया दूसरा फोन लेना पड़ेगा एक्सिम बैंक रिसीव नाइन जीरो वन थ्री पॉइंट सेवन टू करोड़ फ्राम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से उसको नौ हजार तेरह पॉइंट सेवन टू करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर आपकी मिली है गारंटी जो गारंटी है वो इन हो गई है बैंक इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी ऑन डिकेट एयर लोन्स एक्सटेंडेड टू सम अफ्रीकन कंट्रीज क्या हुआ है यहाँ पर आपने मेरे से बहुत बार बैंक गारंटी सुना है शब्द सुना है बहुत बार डिस्कशन हुआ मतलब इतनी बार मैं बैंक गारंटी डिस्कस कर चुका हूं इस क्लास में करंट अफेयर्स की क्लास में जो खैर पेड कंटेंट में तो पढ़ते ही हैं वो लोग डिटेल में पढ़ते हैं बहुत घुस घुस के हम अंदर पढ़ते हैं चीजों को बैंक गारंटी को भी हमने तीन तरीके की बैंक गारंटी में डिस्कस किया है एग्जाम्पल के साथ बहुत कुछ डिस्कस किया और करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया है और हमेशा जब मैं बैंक गारंटी का जिक्र करता हूँ तब मैं ये कहता हूं कि बैंक गारंटी इज अ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी ठीक है और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी क्यों कहते हैं बैंक गारंटी को क्योंकि जब बैंक गारंटी दी जाती है वेरी फर्स्ट डे से आपका कोई बैंक का कोई पैसा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता फंड बेस्ड फैसिलिटीज आर दोस्त जिसमें पहले दिन से बैंक का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है यानी बैंक ने पैसा दे दिया है कस्टमर को फॉर एग्जाम्पल आपने कोई हाउसिंग लोन दिया तो बैंक ने पहले दिन हाउसिंग लोन के बदले में आपको पैसा दे दिया है ना कार लोन कार का पैसा दे दिया आपको है ना इसी तरह से कोई कैश क्रेडिट लिमिट दी है कोई बिजनेस लोन दिया है टर्म लोन किसी तरह का तो पैसा दे दिया दैट इज अ फंड यानी फंड दिया है, fund based जिसको गया है फंड बेस्ड उसको क्या नॉन फंड में आता है कि आप बैंक ने आपको कोई पैसा नहीं दिया आपके बिहार पर या किसी और को भी पैसा नहीं दिया आपके बिहार पर कुछ भी नहीं दिया दैट इज नॉन फंड बेस्ड जिसमें दो एग्जाम्पल आते हैं हमारे मेजरली दैट इज अ बैंक गारंटी इज वर्क एंड दी सेकंड लेटर ऑफ क्रेडिट ठीक है जिसमें पैसा नहीं होता जिसमें गारंटी दी जाती है तब जाके आप मुझसे पैसा मांग सकते हो कि इस बंदे की आपने गारंटी दी थी बैंक गारंटी दी थी और इस बंदे ने ये काम पूरा नहीं किया गर बैंक गारंटी दी थी काम पूरा करेगा परफॉर्म करेगा, फाइनेंशियल गारंटी कह लो परफॉर्मेंस गारंटी कह लो वो पूरी करेगा लेकिन इसने पूरा नहीं किया कंडीशंस को इसने फॉलो नहीं किया, तो अब आपकी बारी आ चुकी है हमें जो में लिखे हुए थे है? उस चीज को हम कहते हैं बैंक गारंटी इनवोकेशन क्या कहते हैं इनवोकेशन पीछे शब्द भी लिखा होगा इनवोक यहां पर ठीक है ये लिखा होगा इनवोक इसी शब्द को यहां पर थोड़ा मैं टेक्निकल भाषा में कहूंगा शन बैंक गारंटी इनवोकेशन ठीक है अब बैंक गारंटी यहां पर इनवोक हुई है आज पहली बार मैं कोई बैंक गारंटी इनवोक देख रहा हूं नॉर्मली मैंने अपनी जॉब में भी कभी बैंक गारंटी इन्वोकेशन नहीं देखा कोई कस्टमर ने कंप्लेन क्लेम नहीं किया बैंक गारंटी इन्वोकेशन का तो खैर यहां पर बैंक गारंटी इनवोक हुई है अब बैंक गारंटी इनवोक क्या हुई है बैंक गारंटी इनवोक हुई है कि यहां पर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को लोन दिया गया था पैसा दिया गया था लोन क्या दिया गया था लोन दिया गया था एक्सिम बैंक के द्वारा दे दिया गया था पैसा ठीक है ओके सो यहां पर लोन के बदले में बैंक गारंटी थी ये थोड़ा सा अलग बैंक गारंटी लोन के बदले में यानी कि एक्सिम बैंक ने कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को पैसा दिया और एक्जर्व बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि इनको आप दे दीजिए ये पैसा आपको लौटा देंगे ठीक है बढ़िया बात है अगर ये पैसा नहीं लौटाते हैं अगर ये पैसा नहीं लौटाते हैं तो मैं इसके भिह पर आपको पैसा दूंगा मैं आपको बैंक गारंटी दे रहा हूं ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था एग्जिम बैंक को कि आप उनसे पैसा ले लीजिएगा लेते हैं बहुत बढ़िया बात है नहीं लेते तो हम आपको पैसा देंगे इसके अंदर उन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट जिसके अंदर लाइन ऑफ क्रेडिट में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है मतलब एवरी फैसिलिटीज इंक्लूडेड अंडर द लाइन ऑफ क्रेडिट है ना अगर कोई एक देश दूसरे देश को या फिर कोई एक इंस्टीट्यूशन दूसरे देश को करता है वहां पर लाइन ऑफ क्रेडिट वर्ड यूज किया जाता है लोन शब्द नहीं यूज किया जाता लाइन ऑफ क्रेडिट में अलग अलग तरीके के लोन आ सकते हैं एक ग्रुप ऑफ लोन कह लीजिए वो कह सकते हैं उसको तो यहां पर वही हुआ था एक्सिट बैंक ने कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को पैसा दिया लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया ये कहूंगा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया पैसा भी नहीं लाइन ऑफ क्रेडिट दिया और अब उनकी रीपेमेंट नहीं आई वो अकाउंट जो है डाउटफुल हो गए यानी कि वो अकाउंट एनपीए हो गए उनका पैसा नहीं आया है तो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जो वेरी फर्स्ट डे यहां पर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर एग्जिम बैंक को कहा था कि पैसा नहीं देंगे तो हम देंगे उसके लिए उन्होंने बैंक गारंटी उनको दी थी और वही बैंक गारंटी अब यहां पर एग्जीक्यूट करने के वक्त आ चुका है यानी कि उसको इनवोक करने का वक्त आ चुका है और वो इनवोक की गई और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहां पर उसको पैसा देगा एग्जिम बैंक को कितना पैसा

These loans were classified as doubtful asset. NPA हो गए in the financial year 23-24. Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance has supported lines of credit to foreign countries under the Indian Development and Economic Assistance Scheme. तो so, idea scheme थी जिसके तहत यहाँ पर line of credit दिया गया था दूसरी African countries को. Department of Economic Affairs जो Ministry of External Affairs के Ministry of Finance के अंदर काम करता है, इसने यहाँ पर support किया था इस line of credit को और साथ में Ministry of External Affairs ने भी यहाँ पर आपका support किया था ने गारंटी दी थी इन्होंने भी इन्होंने सपोर्ट किया था इन्होंने गारंटी दी थी और फाइनली वो गारंटी यहाँ पर आपकी इन्वॉक करनी पड़ी और उसका पैसा यहाँ पर एक्जिम को मिला है आई होप सो क्लियर होगी न्यूज किस तरह से बैंक गारंटी काम करती है और किस तरह से उसका इन्वोकेशन यहाँ पर देखने को मिला है क्लियर है एकदम सही एकदम चकाचक चलो आगे चलते हैं बताओ यार दूसरे देश भी ठग रहे हैं हमें क्यों देते हैं इन कंट्रीज ऑफ ऑफ लाइन क्रेडिट फिर वही बेटा है ना हम ये तो सोच लेते हैं दे देते हैं हम लाइन ऑफ क्रेडिट लेकिन ये जो फंड सामने आया है हो सकता है इससे कहीं ज्यादा फंड हमने दूसरे देशों को और भी दिया हो उससे इंटरेस्ट भी तो आता है ब्याज भी तो आता है अब ये भी आपके दिमाग में आ सकती है चीज सर एक तरफ तो हम दूसरे देशों से लोन ले रहे हैं है ना फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए दूसरी तरफ हम इन देशों को लोन दे रहे हैं तो फिर हम दे ही क्यों रहे हैं जब हमें लोन लेना है है ना बात सही है आपकी ठीक है लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है ये जो फिजिकल डेफिशियट होता है जो हम कहते हैं डिफरेंस है आपका एक्सपेंडिचर का वो अकेला अकेला लोन से नहीं पूरा किया जाता वो अकेला भारी विदेशों से लोन लेकर नहीं पूरा किया जाता हमारे इंटरनल कुछ फंड्स होते हैं आर है उसके थ्रू या फिर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में रिलीज करते हैं बोन्स जारी करते हैं आप जनरल पब्लिक से भी पैसा लिया जाता है उस तरह से भी हम पैसा लेते हैं अकेले एक्सटर्नल ग्रांट्स एक्सटर्नल चीज़ें नहीं हमें मिलती हैं है ना तो कुछ इंटरनल हमारे पास भी पैसा होता है तो ये अब एक्सिम बैंक का पैसा आप ये भी देखो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है एक्सिम बैंक अलग इंस्टीट्यूशन एक्सिम बैंक ने दिया है पैसा यहां पर एक्सिम बैंक का काम ही पैसा देना है अब कोई मेरे से विदेश से लोन लेने आ जाए कोई है ना मैं बैंक हूं और मेरे से कोई विदेश से कोई कंपनी है जो इंडिया में उसने इस्टेब्लिश किया अपना बिजनेस तो वो मेरे से लोन लेने आ जाए मैं उसको क्या कहूंगा मैं उसको ये थोड़ी ना कहूंगा मैं तुम्हें लोन नहीं देता क्योंकि इंडिया हमारा बाहर से विदेश से लोन ले रहा है मैं तुम्हें लोन दूंगा हम बाहर से लोन ले रहे हैं अब मैं तुम्हें दे रहा हूं मैं क्या क्या मतलब इसका इसका क्या मतलब बनता है है ना वो भारतीय सरकार लोन ले रही है मैं नहीं मैं एज अ बैंक मैं लोन ले रहा बाहर से भारतीय सरकार लोन ले रही है उसका लोन का सिस्टम अलग चलता है और भारतीय सरकार ने यहाँ पर लोन नहीं दिया बारी, बारी देशों को बैंक बैंक ने इज इज अ अ सेपरेट सेपरेट एंटिटी एंटिटी भारतीय सरकार entity, ठीक है तो अगर ये कन्फ्यूजन है ना इस तरह का ये जो मैंने बताया इस तरह का कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा दूर कर लेगा आर सेपरेट एंटिटी वो किस से लोन ले रही है तो दे नहीं रही वो एक्सिम बैंक लोन दे रहा है ठीक है चलो आगे चलते सर कल मैंने फिजिकल डेफिशिट पढ़ा वो क्या है यार बजट का सेशन अब तक चालीस हजार लोग देख चुके हैं है ना हजार तकरीबन कमेंट आ चुके हैं और फिर तुम लोग बोलते हो तुम लोग क्लास में आगे कहते हो सर फिजिकल डेफिसिट क्या है वो उन चालीस हजार लोग जो मेरे को डेली फॉलो नहीं करते उन्होंने भी देख लिया तुम तो डेली फॉलो करते हो तुम तो देख लो उसको जाके रिपोर्ट इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो, ग्रो एट 6.7 परसेंट 2024 हज़ार ओके, सो यहाँ पर क्रिसल की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार ये कहा है कि इंडिया की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो छ दशमलव सात प्रतिशत यहाँ पर बढ़ेंगे इस पीरियड के बीच में 2024 से दो के बीच में सिक्स पॉइंट फोर सिक्स से यहां पर इंक्रीज होंगे क्रिस्ल की ये रिपोर्ट है यहाँ पर आपकी टाइटल द इंडियन इकोनॉमी कैपिटल एज अ ग्रोथ ड्राइवर ठीक है। इंडियन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट एन एवरेज रेट सिक्स परसेंट पर इन ग्रोथ इन फिस्कल ईयर तेरह क्रिस्टल प्रोजेक्ट मॉडरेशन टू 6.4 परसेंट इन फिस्कल ईयर सो यहां पर इस साल का भी उन्होंने दो को सात की ग्रोथ के बाद अब यह कह रहे हैं कि फिस्कल ईयर दो में हम जो अभी चल रहा है फिलहाल है ना नहीं चल नहीं मतलब जो अभी बीता है आपका उसमें भी यहाँ पर आपका नहीं मैं कंफ्यूज क्यों हो गया अभी चल ही रहा है यार दो हज़ार चौबीस तो अभी कहाँ खत्म हुए इकतीस मार्च आया नहीं जो सिक्स पॉइंट फोर परसेंट जो अभी चल रहा है इसका प्रोजेक्शन भी इन्होंने दो हजार चौबीस का सिक्स पॉइंट फोर कहा है और दो हजार चौबीस और दो हजार इकतीस का एवरेज इन्होंने कहा है कि हमारा छः पॉइंट सात प्रतिशत पे हो जाएगा ठीक है ओके चलो आगे चलते हैं हम ईशा फाउंडेशन 242 फोर्टी टू फीट आदिशिवा स्टैचू अप्रूव्ड नियर जेवर एयरपोर्ट ओके जेवर एयरपोर्ट नोएडा उत्तर प्रदेश में बन रहा है उम्मीद करता हूं इसके बारे में पहले से जानकारी होगी क्योंकि ये बहुत बार यहां पर हमारी खबरों में न्यूज में आता रहता है ठीक है एक और चीज़ है बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में जैसे कोई आज फर्स्ट टाइम आया है क्लास में ठीक है तो मैंने पहली न्यूज़ में क्या कहा अरे हमने पहले बहुत बार गारंटी पढ़ रखा है ठीक है दूसरी बार मैंने ये कह दिया अरे आप हमने जेवर एयरपोर्ट जो पहली बार पहले बहुत बार हमने पढ़ रखा है तो अब नया स्टूडेंट आज या कल में आया वो कहेगा सर मैंने तो कहाँ पढ़ा सर कहाँ पढ़ा कहाँ सर बता दो सर प्लीज़ बता दो आपके मन में ये आएगा ना सर बता दो सर मैंने तो पढ़ नहीं रखा पहले तो इसको सोच के घबराया मत करो कि मैंने पहले बताया था ये न्यूज़ आई थी इस तरह के शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं मैं नहीं एज अ टीचर हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं कि यार वो देखो दो दिन पहले पढ़ा तो था अब ऑब्वियस है हम दो दिन पहले पाँच दिन पहले जो चीज़ पढ़ी उसको बहुत डिटेल में दोबारा से रिपीट तो नहीं कर सकते दोबारा से रिपीट नहीं एक ही शब्द आएगा दोबारा से बोल तो नहीं सकते या रिपीट तो नहीं कर सकते है ना एरर था मेरी लाइन में सो उसके लिए आपको क्या करना है टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल चिल रहने का ठीक है रेगुलर फॉलो करते रहो फिर हो सकता है पांच दिन बाद दस दिन बाद कभी इसके बारे में जिक्र हो जाए इसलिए हम कहते हैं करेंट अव्य शुड बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस ताकि कोई चीज अगर आज मिस हो रही है तो कल मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे तो टेंशन मत लिया करो फॉलो किया करो ठीक है चिल मारा करो जेवर एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है है ना बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है दिल्ली का एक ऑलरेडी गुरुग्राम में है गुरुग्राम नहीं कहूंगा दिल्ली में ही है बेसिकली वो है ना गुरुग्राम से बॉर्डर पे आ जाता है सो so, और दूसरा अब नोएडा में बन रहा है जो कि वहां के लोगों के लिए वनौद बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर बनने जा रहा है तो उसी एयरपोर्ट के नजदीक अगर आपने ये वाली एक स्टैचू ऑलरेडी आपने देखा होगा आई होप सो कि पहले कहीं ना कहीं वीडियोज़ में रील्स में शॉर्ट्स में बहुत जगह पर ये वाला स्टैचू फेमस है है ना और ये स्टैचू ऐसा ही एक स्टैचू यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक बनाने की तैयारी की जा चुकी है उसके लिए मंजूरी मिल चुकी है किसको मिल चुकी है ईशा फाउंडेशन को ईशा फाउंडेशन क्या है ईशा फाउंडेशन यहाँ पर आपने एक एक स्पिरिचुअल गुरु का नाम सुना होगा जिनको हम सदगुरु जी कहते हैं ठीक है उनके द्वारा रन किया जा रहा एक फाउंडेशन है ईशा फाउंडेशन वहीं पर ही उनका जो मेन आश्रम कह लीजिए जो भी कहते हैं वो वहां पर ये स्टैचू स्थित है तमिलनाडु में और अभी फिलहाल इस स्टैचू को ऐसा ही एक स्टैचू एक और जहाँ पर जेवर एयरपोर्ट में बनाने के लिए उसका अप्रूवल दिया गया सिविल एवेशन मिनिस्ट्री हैज ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द इंस्टॉलेन टू फोर्टी टू फीट हाई स्टैचू ऑफ आदि योग आदि योगी शिवा इसको बोलते हैं इस स्टैचू को नियर द अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लेड बाय सदगुरु जग्गी वासुदेव ये ईशा फाउंडेशन के Uh, कह लीजिए इन इनके द्वारा ओरिजन किया गया इनिशिएट किया गया द ईशा फाउंडेशन इज रिनाउंड फॉर इज कमिटमेंट टू योगा एनवायरमेंट स्टीवर्डशिप एंड द सोशल वेलफेयर ठीक है तो इनके बारे में जानना हूँ बहुत सारी वीडियोस हैं बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं आपकी आपकी मिल जाएंगी ठीक है तो फिलहाल आदि योगी शिवा स्टैचू कहाँ पर आ रहा है जेवर नोएडा उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आ रहा है ठीक है ओके हाँ जी कोयम्बूर में है आगे चलते हैं कैबिनेट ने एम्प्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ दी एच आई डी एफ ए एच आई डी एफ क्या है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक ऐसा फंड जिसके तहत यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए जो लोन दिए जाते हैं उनकी सब्सिडी यहाँ पर इस फंड से निकलती है इस फंड से मान लीजिए मैंने कोई लोन लिया जो कि एनिमल हस्बेंड्री के, के फील्ड में यहाँ पर काम करने के लिए लिया है तो उसकी जो लोन दिया है उसकी सब्सिडी इंटरेस्ट की सब्सिडी वगैरह वगैरह जो भी है कैपिटल सब्सिडी जो है वो यहाँ पर इस फंड से दी जाती है जो उन्होंने उन लोन को अवेल किया है ठीक है तो इसी फंड को यहां पर जो सरकार के द्वारा सब्सिडी जाती है इस फंड से इस फंड को यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया है और इस फंड को एक्सटेंड किया है तीन साल फर्दर 2025 26 तक 29610 करोड़, करोड़ दस, आ, 29 .25 करोड़ में 610 सॉरी पन्ना सेशन में गड़बड़ होगी 29610.25 करोड़ रुपीस में यहां पर इसको किया गया है यह आपका आउटले 29000 610.25 करोड़ ठीक है ये अमाउंट याद रख लेना ईयर याद रख लेना कौन से ईयर तक किया गया है ये नीचे वही लिखा है दैट इज एनिमल बेस्ड डेयरी मीट प्रोसेसिंग डाइवर्सिफिकेशन एनिमल फीड प्लांट ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म एग्री वेस्ट मैनेजमेंट वेटनरी वैक्सीन ड्रग प्रोडक्शन इसमें अगर आप काम करते हो इससे जुड़ा हुआ अगर आप लोन लेते हो तो आपको यहां पर पैसा मिलेगा इसके अंदर कितना पैसा मिलता है अगर आप लोन ले रहे हो तो गवर्नमेंट की तरफ से तीन इंटरेस्ट सब्सिडी आठ साल के लिए दो साल का मॉरिटोरियम मॉरिटोरियम क्या होता है अगर आप कोई भी लोन लेते हो तो लोन की किश्त जो है या फिर ई जो है वो आपको तुरंत चुकाने की शुरुआत करने की जरूरत नहीं होती जिस पीरियड के दौरान मान लीजिए आज की डेट मैंने लोन लिया कोई हाउसिंग लोन लिया है और हाउस लोन किस लिए लिया हाउस को बनाने के लिए अब हाउस तुरंत तो बन के तैयार हो नहीं है गिली गिली छू मेरे पास बीस लाख रुपए बैंक ने दे दो गिली गिल्ली छू बीस लाख रुपए मैंने उसकी मिट्टी के अंदर गाड़ दिए और ऊपर घर बनकर तैयार हो गया नहीं ना ऐसा नहीं होता बीस लाख में से जो भी बैंक ने धीरे धीरे पहली बार तो बीस लाख एक साथ नहीं देगा बैंक धीरे धीरे देगा स्टेज वाइज देता है ठीक है तो धीरे धीरे बैंक ने पैसा दिया वैसे वैसे, वैसे मैंने मिस्त्री से उसको बनवाया सामान लगाया इंटीरियर बनाया बढ़िया सा बना दिया सब कुछ हो गया तो उसको घर को बनाने में एक से डेढ़ साल सवा साल दस एक दो साल लग सकता है डिपेंडिंग अपने कितना ने स्टोरी बिल्डिंग बनानी है ठीक है हो सकता है छह महीने में बन जाए टोटली डिपेंड्स ठीक है तो यहाँ पर वो मारा मारी नहीं करेंगे तो अरे सर ऐसे कैसे बोलते है दो साल मेरा तो छः महीने बन गया था तो वो मारा मारी की बात नहीं है तो छः महीने दो साल जितना भी समय लगता है उस घर को बनाकर खड़े होने में और बनने में तो उतने टाइम का बैंक आ जाता है तो तुम मॉरेटोरी में ले लो कि तुम्हारा जब घर कब बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद ही तुम पैसा अपना चुकाने लग जाना तो ये एक एग्जाम्पल दिया घर का इसी तरह से एजुकेशन लोन होता है एजुकेशन लोन में भी आप जब तक यहाँ पर आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती और उसके छह महीने बाद तक आपसे बैंक ई नहीं मांगता है तो ये पीरियड जिस दौरान बैंक ई डिमांड नहीं करता और आपको ई पे भी नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है तो उस पीरियड को ई कहते हैं और ये प्रोमोरेटोरियम पीरियड जो होता है वो हरेक लोन पर अप्लाई नहीं होता आप समझो कि हर एक लोन पे मॉरेटोरियम अप्लाई होता है नहीं हर एक लोन में मॉरेटोरियम अप्लाई नहीं होता फॉर एग्जांपल कैश क्रेडिट लिमिट ले रखी है कोई कोई इसमें मॉरेटोरियम नहीं है फॉर एग्जांपल आपने पर्सनल लोन ले रखा है कोई मॉरेटोरियम नहीं है है ना कार लोन लिया है कोई मॉरेटोरियम नहीं हो सकता उनमें हो ही नहीं सकता मतलब एक होता है कि मैं कर देना नहीं चाहता बैंक पॉलिसी वही नहीं है कार लोन के मॉरेटोरियम क्या होगा कार तो आपको तुरंत मिल गई ना आप चलाने लग गए ना है ना तो इसलिए उसमें मॉरेटोरियम हो ही नहीं सकता ये मॉरेटोरियम का मेन जो बेस होता है ना मोटिव होता है वो यही होता है कि बंदे को पैसा दिया लेकिन बंदा जिस काम के लिए पैसा लिया उस चीज को अभी यूटिलाइज करना स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा घर अभी एक दो साल लगेंगे उसको यूटिलाइज करने में इसलिए एजुकेशन लोन दिया है बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तभी तो सैलरी आएगी पूरा पूरा तो उस पीरियड के दौरान कहा है क्या ई है ना तो वो मॉरेटोरियम पीरियड होता है तो मोरिटोरियम पीरियड अगर मान लीजिए एनिमल हस्बेंड्री का लोन दे रखा है उसके तहत यहां पर उसको सब्सिडी मिलेगी हाँ ये चीज है कि इंटरेस्ट जरूर अप्लाई होता है उस दौरान आप ये कहेंगे दो साल आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा इंटरेस्ट अप्लाई होगा बस डिमांड नहीं क्रिएट होगी मान लीजिए बीस लाख का लोन लिया है तो ऐसा नहीं है कि बीस लाख का लोन लिया तो दो साल तक आपका मॉरिटोरियम दो साल तक आपके मॉरिटोरियम के पीरियड के दौरान आपके ब्याज नहीं ले आपके खाते में आपके ब्याज खाते में लगता रहेगा बीस लाख में ब्याज तो वेरी फर्स्ट डे शुरू हो गया लेकिन इट्स जस्ट कि आपसे बैंक ने डिमांड नहीं करी है बैंक आपसे मांग नहीं कर रहा बैंक कह रहा है दो साल बाद आप मांगेंगे दो साल बाद देना शुरू कर देना अभी कोई जरूरत नहीं मुझे पैसा देने की ठीक है तो डिमांड दो साल बाद क्रिएट होगी बस मॉरिटोरी में ये फर्क होता है तो इंटरेस्ट लगता रहता है आपकी इच्छा अनुसार अगर आप जमा कराना चाहते हो उसमें पैसा आप जमा करा सकते हो क्योंकि ब्याज अल्टीमेटली आपके ऊपर ही लगना है ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो वो थोड़ा सा थोड़ा सा वो ज्यादा ही हमारे ऊपर बोझ पड़ जाएगा ईएमआई बढ़ जाएगी तो इसलिए अगर आप करना चाहते हो तो बहुत बार ऐसा भी होता है एजुकेशन लोन आपने लिया तो आपके जो मम्मी पापा होते हैं पापा कहते हैं यार बाद में क्या मेरा बेटा पे करेगा अभी मैं थोड़ा थोड़ा पैसा ब्याज का देता रहता हूँ ये होगा आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एजुकेशन लोन दिया था तो उनके मम्मी पापा आपके पढ़ाई के दौरान ब्याज जमा कराने जाते होंगे बैंक में है ना पापा से कभी बात हुई होगी पापा क्या कर रहे हो बस बेटा बैंक में जा रहा हूँ कैसे क्या हो गया बेटा वो एजुकेशन लोन जो तुम्हारा था ना उसका ब्याज जमा कराने जा रहा हूँ जबकि बैंक ने नहीं कहा ब्याज जमा कराने के लिए हम अपनी मर्जी से हम अपनी समझदारी से कि हम कैपेबल हैं देने के लिए तो हम दे दें क्यों ब्याज का बोझ अपने ऊपर डाल लें है ना ब्याज पे, -पे पर ब्याज कंपाउंडिंग होती रहेगी वो डबल ही हो जाना उसने चार साल में जाकर कहीं ना कहीं तो इसलिए ये चीज़ मॉरिटोरियम वर्ड आया है कि गवर्नमेंट जो स, आपको जो लोन दिया है अपने एनिमल हस्बेंड्री के तहत उसके तहत जो ब्याज लगेगा इवन जो मॉरिटोरियम के दौरान ब्याज लगेगा उस पर तीन परसेंट की सब्सिडी देती है यानी मान लीजिए ब्याज आठ परसेंट है तो तीन परसेंट सरकार के द्वारा दे देता है पांच परसेंट ही आपका नेट इफेक्टिव पड़ेगा और सब्सिडी इंटरेस्ट की सब्सिडी का फंडा क्या होता है आपको पहले पैसा देना पड़ता है पहले आप ब्याज चुकाओगे फिर जब ब्याज चुका दोगे तो उसके बाद कुछ टाइम बाद आपका पैसा जो है वापस आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाता है गवर्नमेंट से पैसा आता है आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है तो तीन परसेंट बाद में गवर्नमेंट से आपके खाते में आ जाएगा स अपू नाइनटी परसेंट फ्रॉम दूल्स एंड दी नेशनल कॉपरेटिव डेवलपमेंट कॉपोरेशन ने एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एंड दी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ओके सो यहां पर आपका फॉर लोन अप टू नाइनटी परसेंट यानी कि लोन का नाइनटी परसेंट अमाउंट जो है उसके ऊपर जो ब्याज लगता है उसका तीन परसेंट यहां पर सब्सिडी के रूप में इस स्कीम के तहत दिया जाता है और ये जो पैसा दिया जा रहा है ये कहां से दिया जा रहा है ये इसी फंड से दिया जा रहा है इस फंड से दिया जा रहा है ठीक है गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी टू दी एम एस एम एंड डेयर सात सौ पचास करोड़ अब यह क्या है अभी हमने पहले पेज पर पहली न्यूज में बात की थी के है ना? तो वही था समझ लीजिए कि ये आपको गारंटी भी दे रहा है government क्या है गारंटी भी दे रही है इसी फंड से यानी कि मैंने मान लीजिए लोन दिया एज ए बैंक मैंने लोन दिया और उसने लोन नहीं चुकाया है मान लीजिए एक लाख का लोन दिया है नहीं चुकाया है. तो सरकार ये कह रही है कि एक

आई होप सो क्लियर है न्यूज और ये यहां पर जून बीस में शुरू किया था तब 15000 करोड़ था इसका फंड और अब बढ़ाकर फंड को करोड़ कर दिया गया क्लियर है सभी लोगों को एक एक चीज कुछ नया सीखा कुछ नया समझ में आया बताओ जरा क्या नया सीखा है ना कुछ नया पता लगा कुछ नॉलेज बढ़ी होगी कुछ अच्छी लगी होगी बातें है ना चलो आगे चलते हैं एक और स्कीम का अप्रूव दिया गया और शुगर सब्सिडी है शुगर सब्सिडी यहां पर अन... योजना के जो यूजर्स हैं जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में 2000 में सन 2000 में इंप्लीमेंट किया गया था इसी सन 2000 में जो स्कीम इंप्लीमेंट की गई थी उसके तहत यहां पर शुगर की सब्सिडी दी जाती है जो शुगर उनको बांटी जाती है जो दी जाती है उस पर इनको यहां पर जो सब्सिडी दी जाती है उसको दो साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है इकतीस मार्च दो हजार छब्बीस को इसके तहत सब्सिडी कितनी अट्ठारह पर के की सब्सिडी दी जाती है जिस रेट पर भी उनको शुगर मिलती है चीनी मिलती है इस योजना के तहत लोगों को जो इसमें एलिजिबल है उनको जो सब्सिडी उनको जो चीनी मिलती है उस पर सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है यानी कि उनको उनको जो जो भी रेट है पर केजी, उनको चीनी जो है है उसे पर चीनी सस्ती मिलती है, और वो सस्ती चीनी जो है उस स्कीम को दो साल के लिए फर्दर कंटिन्यू करने का फैसला किया है हमारे देश की कैबिनेट ने या फिर सरकार ने ठीक है स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोक्यूर एंड डिस्ट्रीब्यूट शुगर टू द एवाई फैमिली थ्रू पीडीएस एट अ रेट ऑफ वन केजी पर फैमिली पर मंथ ठीक है तो इसमें सब्सिडी आपकी सरकार के द्वारा साढ़े अठारह रुपए दी जाती है एक रुपए वन एक किलो जो है आपका च, चीनी है वो पर मंथ पर फैमिली को दी जाती है इस योजना के तहत ठीक है ओके गॉट इट क्लियर है समझ गए एकदम ढंग से सर आई के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें बेटा अभी ना मेरा एक बैच चल रहा है आई पीओ के इंटरव्यू का ठीक है आई पीओ के इंटरव्यू का अब एक्जैक्टली exactly मैं आई का तो नहीं बता सकता है ना लेकिन एक इंटरव्यू में कैसे पढ़ना होता है क्या पढ़ना होता है क्या तैयारी करनी होती है है ना तो वो ये वाला बैच ज्वाइन कर लो आपको इससे आइडिया लग जाएगा मतलब इस बैच में आई का जिक्र नहीं करूंगा लेकिन जो भी मैं बातें करूंगा वो अप्लाई होंगी आपके आई के लिए भी तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लें जाओ इस बैच को वीडियो कोर्स है रिकॉर्डिंग सारी क्लासेस पे अवेलेबल है 11-12 क्लासेस पे अवेलेबल है है ना तो बारह तेरह होगी होंगी शायद है ना तो इतनी क्लासेज उन सारी क्लासेज को देख लो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको आईडी वे में मिलेगा ठीक है और इसी कोर्स के साथ साथ आपको बैंकिंग की वीडियोज़ का भी एक्सेस मिल जाता है है ना लेकिन बैंकिंग की वीडियोज़ का एक्सेस ऐसे नहीं है, आपको कोई साल दो साल के लिए नहीं मिलता बस ऐसे ही आपका ये पंद्रह बीस दिन के लिए बैंकिंग की वीडियोज़ का एक्सेस मिल जाएगा ताकि जो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में उसकी तैयारी भी आप कर सको ठीक है तो ये ज्वाइन कर लेना आपका क्लियर हो जाएगा जो भी फंडा है आपको कंफ्यूजन जो भी है ठीक है सर मैंने गलती से वीडियो और इंटरव्यू प्लस वीडियो ले लिया है सर वीडियो कोर्स का अमाउंट रिफंड हो मतलब बेटा पैक ही दो थे यार एक तो मॉक इंटरव्यू प्लस वीडियो कोर्स का पैक था एक वीडियो कोर्स का मॉक प्लस इंटरव्यू का जो वीडियो कोर्स का पैक था वो सेपरेट था जो वीडियो कोर्स का पैक सेपरेट था अब इसके अलावा कोई तीसरा तो था, था नहीं जो मैं अब आपके लिए कस्टमाइज कर दूँ कि सर मॉक इंटरव्यू का पैकेज कुछ नहीं था ऐसा है ना कुछ भी ऐसा नहीं था पर पहली बार तो मॉक इंटरव्यूज के जो सीट्स थी 200 सीट्स मैंने ली हैं इस बार मतलब 100 सीट्स तो 10 मिनट के अंदर 10-15 मिनट के अंदर 100 सीट्स फिल थी 10 मिनट के अंदर और फिर उसके बाद मैंने कहा चल करते हैं करते हैं करते हैं 45 या 50 मिनट्स के अंदर 200 सीट्स कंप्लीट हो गई थी तो आप अगर आपको मिला है तो शुगर है मिला है अभी भी मेरे पास 200-300 बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं सर मॉक इंटरव्यू ले लो हमारा मेरे पास कैपेसिटी नहीं है उतनी यार मैं क्या करूं? होती तो मैं ज़रूर ले, ले लेता है ना घर आई लक्ष्मी को कौन ठोक कर मारता है यार है ना लेकिन कैपेसिटी भी तो हो मेरी फिर दूसरी चीज़ें बंद हो जाएंगी ये क्लास बंद करनी पड़ेंगी ले, ले लेता हूँ पाँच सौ बच्चों का इंटरव्यू ले लेता हूँ ये कुछ क्लासेस कुछ दिन के लिए बंद कर देता हूँ मैं है ना क्या कहती जनता कर लूँ करंट अफेयर्स हुई पेड क्लास हुई जैब की क्लास होती है वो सारी बंद कर देता हूँ पाँच बच्चों का इंटरव्यू ले लेते ले हैं बस बढ़िया मस्ती से है ना बैठेंगे बैठ के क्लास कौन खड़े हो गए भाई कौन कंटेंट बढ़ाए कर ले हो जाएगा डन लेकिन हाँ जो वीडियो कोर्स है वो एक्सेसिबल है अकेला जो वीडियो कोर्स है वो जितने मर्जी स्टूडेंट्स खरीदो उसमें कोई फाउंडेशन कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है ठीक है <laughs> देखा अभी कह रहे नो 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 सर है नो 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 सर ये ये उनसे पूछे जिनका मॉक इंटरव्यू हो कहेंगे हाँ सर कोई बात नहीं सर क्या फर्क पड़ता है सर दो दिन बाद करें कर इंटरव्यू कर ले सर मेरा मॉक इंटरव्यू ले लो <laughs> आगे चलते हैं देखा वही बात होती है कि जो बिगनर बच्चा होता है सर प्रीलिम्स कराओ प्रीलिम्स कराओ प्रीलिम्स कराओ है ना जिसका मेंस का एग्जाम होता है वो कहता है सर मेंस कराओ मेंस कराओ मेंस कराओ है ना यही यही चलता है सिस्टम तुम लोगों का मेंस क्लियर होगा ना अगले साल अगले साल तुम यही बोलोगे अरे सर क्या प्रीलिम्स पढ़ा रहे हो सर मेन्स पढ़ाओ ना सर है ना तो तब याद आएगी तुम्हें आज के दिन की आज तुम बोलते हो ना प्रीलिम्स पढ़ाओ प्रीलिम्स पढ़ाओ तब अगले साल याद आएगी जब तुम्हें कोई मेन्स पढ़ा नहीं रहा होगा प्रीलिम्स ही करते रह जाओगे फिर फिर सोचोगे कहाँ से लें फिर पिछला साल याद आएगा मेरी बात याद आएगी कैबिनेट अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ स्कीम फॉर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सी फॉर टू ईयर्स ये भी दो साल के लिए बढ़ाया इकतीस मार्च दो हजार छब्बीस तक बढ़ाया अच्छा इन्होंने यार देखो एक सिंपल कर देते हैं इस चीज को सारी चीजें इन्होंने दो हजार छब्बीस तक कर दी है ये तीन साल के लिए किया दो हजार छब्बीस तक ठीक है ये दो साल के लिए 2026 तक किया है और ये भी दो साल के लिए 26 तक किया तो सारी चीजें इकतीस मार्च 2026 हजार छब्बीस तक की गई है पहली वाली स्कीम तीन साल के लिए बढ़ाई गई अगली दो स्कीम दो दो साल के लिए तो तीन साल के लिए और दो साल के लिए क्या फंडा है थ्री दो हजार अभी क्या चल रहा है अभी चल रहा है दो तो फिर दो साल के लिए बढ़ानी चाहिए तीन साल के लिखा है पिछले साल का कुछ एक्सटेंशन किया होगा माइट भी हो सकता है ना चलो एनीवेज हमें तो ये याद करना है बेसिकली हमें कौन सा दो से तीन साल का क्या मतलब है हमें इकतीस मतलब मार्च दो हजार छब्बीस ठीक है ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं आगे क्या बढ़े अच्छा ये वाली न्यूज है ये वाली न्यूज क्या है ये बेसिकली ऑलरेडी ये एक्सटेंशन है दो बार एक्सटेंशन हो चुकी दूसरी बार एक्सटेंशन हो रहा है पहले चौबीस तक एक्सटेंशन था अभी पहले 2020 से 2024 एक्सचेंज नहीं किया था दो हजार से 2026 एक्सचेंज कर देगा अब देखो ये स्कीम क्या बेसिकली ये स्कीम है टेक्सटाइल गार्मेंट्स से रिलेटेड है ना जो कपड़े आप लोग पहनते हो कपड़े जो होते हैं ऑब्वियस है इंडिया में कुछ चीजें मैन्युफैक्चर हुई रो मटेरियल धागा वागा लिया गया है ना और उसके बाद उसको मैनुफैक्चर किया गया आगे प्रोसेस किया गया उससे कपड़ा बनाया गया शर्ट बनी आपकी वगैरह वगैरह फिर एक्सपोर्ट किया गया तो ये पूरा पूरा प्रोसीजर के दौरान आपके अलग अलग लेवल पर बहुत बार जगहों पर आपके अलग अलग टैक्सेज या

तो इसी चीज को यहां पर टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स सब चीजों का लग रहा है तो उसी के लिए यहां पर जो एक्सपोर्टर्स हैं टेक्सटाइल के गारमेंट्स के उनको एग्जम्पन दिया जाता है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत कि अगर आपका ऑलरेडी पहले टैक्सेस पे कर चुके हैं फिर से आप टैक्स पे कर रहे हैं एक्सपोर्ट करते वक्त तो आपको जो प्रीवियस टैक्स है उसका हम यहां पर रीइम्बर्स कर देंगे उसका पैसा हम आपको वापस दे देंगे या किसी तरह से और हम उस टैक्स को एडजस्ट कर देंगे उसी से संबंधित यहां पर एक स्कीम है Uh, that is the rebate okay. of state and central tax and levies

तो ऐसे लोगों के लिए ये सब चीजों को उन्होंने रिमबर्स करने का फैसला किया इस स्कीम के तहत उस स्कीम को यहां पर दो साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है आई होप सो कि ये न्यूज भी क्लियर हो गई होगी ठीक है अच्छा एक्स्ट्रा ले लिया अरे भाई अब रिफंड का तो मेरे पास क्या ही प्रोविजन है रिफंड के पे बहुत सारे यार तुम सोच समझ के लिया करो यार ये रिफंड रिफंड का पंगा नहीं होता यार मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी होती हैं उसके अंदर एक को करने लग गया वो सारे लोग ऐसे सर वो कल ये हो गया तो सर कर दीजिए वो हो गया तो वो कर दीजिए बेटा थोड़ा सोच समझिए इतने तो आई थिंक इंटरव्यू राउंड में पहुंचे हो तो इतने तो इनफ मेच्योर हो गए ना आप कि आपको क्या परचेज़ करना है क्या नहीं परचेज़ करना आपको इतनी समझ होनी चाहिए इंटरव्यू तक पहुंचे हो यार एक ही चीज़ को दो दो बार परचेज कर रहे हो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन इनकोएस लॉन्च को न्यू सैटेलाइट डाटा स्पेशल पोस्टल स्टैम्प इनकोएस कोई स्टैम्प ठीक है सो so, यहां पर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस ने एक सैटेलाइट डाटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी को यहां पर लॉन्च किया है और एक पोस्टल स्टैंप लॉन्च किया है उनकी पच्चीसवीं सालगिरा पर सिल्वर जुबली के ऊपर हैदराबाद में किया है इनको माई स्टैंप यहाँ पर ये पोस्टल स्टैंप है ओके okay, सिल्वर जुबली 25 साल भाई साहब 25 साल शादी को हो जाते हैं है ना 25 साल तो बहुत होती है यार 25 साल शादी यार सोचने वाली बात है आज हर्षल सर के भी जो माता पिता उनकी एनिवर्सरी है कल बता रहे थे मुझे है ना आज एनिवर्सरी है चलो जाना बताना सर को

एन बॉडी इन 1999 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ओके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के तहत देखो ये ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस जैसा इसका नाम है यही काम समझ लो इसका ना? Ocean ocean है ना ओशन इन्फॉर्मेशन ओशन से जुड़ी होती हैं उनको सैटलाइट को रीड करना ओशन में किस तरह की मूवमेंट है क्या है क्या नहीं है ओशन को पढ़ना ओशनोग्राफी उसके अंदर के जो जीव जंतु हैं उनके बारे में जानकारी तो ये सब चीजें यहाँ पर ये करती हैं उसी से रिलेटेड फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया ठीक है दैट्स इट चलो आगे चलते हैं पेमेंट गेटवे कभी कभी दिक्कत करता है पेमेंट कट जाता है बट कंपनी के पास नहीं पहुंचता है जिससे दो बार परचेज़ करना पड़ता है अभी केस हुआ मेरे साथ अच्छा कहीं और परचेज किया था कोर्स है ना इसका मतलब क्यों जाते हो कहीं और जब यहाँ से पढ़ना तो जब सब कुछ यहीं मिल रहा है तो क्यों जाते हो कहीं और है ना नहीं मिलेगा इधर ही मिलेगा जो मिलेगा है ना वैसे ही फिर दिक्कत ऐसी होती है कहीं और जाके डबल पेमेंट ही होती है दूसरी जगह जाकर उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने इनाग्रेट किया है कि धामी अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन ओके okay. सो so, धामी अगेंस्ट ड्रग कैंपेन यहां पर अपने नाम से ही इन्होंने ड्रग कैंपेन यहां पर लॉन्च कर दिया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर आपका ये लॉन्च किया है धामी अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन कहाँ पर देहरादून में किया है सिंपल सी न्यूज धामी अगेंस्ट या फिर ये पूछ लेंगे उत्तराखंड में हाल ही में एक ड्रग कैंपेन कौन सा लॉन्च किया तो नीचे चार पांच नाम दे देखा उसमें सही आंसर रहेगा धामी अगेंस्ट ड्रग कैंपेन ठीक है ओके चलो आगे चलते हैं भारत रंग महोत्सव कि गुजरात ओके सो भारत रंग महोत्सव यहां पर आपका इनग्रेट किया गया और ये यहां पर आपका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर इनाइग्रेट किया गया द भारत रंग महोत्सव इनाइग्रेटेड इट्स फेस्टिविटीज इन कल्चरली वाइब्रेंट कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में यहाँ पर भारत रंग महोत्सव की शुरुआत की गई सीधा सीधा लोकेशन पूछेंगे कहाँ की गई गुजरात में यहाँ पर की गई राइट right. आगे चलते हैं पीएम नरेंद्र मोदी टू एड्रेस वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई दुबई में 14 फरवरी को यहां पर एक वर्ल्ड लेवल की मीटिंग मीटिंग होने होने वाली है, होने वाली है है वर्ल्ड लीडर्स की और इसी चौदह फरवरी को यहां पर करेंगे हमारे देश के को। दूसरी बार होगा जहां पर ये को कर रहे पहले बार ये 2018 में यहां पर किया था इस समिट को और ये दूसरी बार करेंगे और इस बार दुबई में और चौदह फेबरी को एक और इवेंट होने वाला है बताओ जरा क्या इवेंट होने वाला चौदह फेबरी को बताओ जरा 14 फरवरी को एक और इवेंट है बताओ क्या है आई आई आर एफ टॉप एमबीएस इंडिया मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि की यहां पर लिस्ट दी है इंडिया के इंडिया के एम बी ए कॉलेज की लिस्ट दी है दो तरीके से लिस्ट दी गई है एक है गवर्नमेंट बिजनेस स्कूल्स और दूसरे प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स यानी कि जो गवर्नमेंट जो है वो जो आपके एम बी ए करवाती है और प्राइवेट जो है वो एम बी ए करवाते हैं ये पढ़ लो एक बार मैं पानी पी लूँ एक बार है ना आज प्या है यार आज धनिया ले आए आप पहले बाबू पढ़ ले तू है ना ऐसा ना हो कि तुम जो मेरे से पूछ रहे हो ना धनिया ले आए आप कि तुम्हारे लिए कोई धनिया लाने वाले बचे ही ना है ना जिसके लिए तुम धनिया ला सको कल को वो मिला ही ना तुम्हें पढ़ ले पहले फिर सोचना दूसरों के बारे में कि धनिया ले आए आप क्या नहीं ले पहले खुद तो पढ़ ले पहले खुद तो काबिल बन जा धनिया लाने के हैं किसके लिए धनिया लाएगा पढ़ाई नहीं करी तो कौन मिलेगा तेरे को कौन देगा तेरे को अपनी लड़की नौकरी के लिए पढ़ना पड़ेगा ठीक है फिर ही छोकरी मिलेगी हाँ जी बिल्कुल शुक्र है टेम्पल का नाम लिया आपने प्रभु कहीं ऐसा ना हुआ कहीं आप ले लो सर वैलेंटाइन डे है उस दिन है ना ऐसा सर वैलेंटाइन डे है शुक्र है हिंदू टेम्पल का नाम लिया हाँ जी हिंदू टेम्पल दुबई में अबू धाबी में वो करेंगे इनाइग्रेट मोदी जी है ना पहले हमने पढ़ा इसके बारे में ठीक है ये धनिया वाला एग्जाम्पल इसने इसलिए दिया था ये यानी कि ये स्मृति मैम की क्लास में आता है एग्री वो अप्रिशिएट है ना सबसे पहले अप्रिशिएट भी करूँगा स्मृति मैम की क्लास बंदा देखता है, है ना जो कि काफ़ी लोग आप में से नहीं देखते चलो कोई बात नहीं तो कल मैम ने कहा था क्लास में तुम आगे पढ़ो एक बार है ना ये भी पढ़ो ये भी मैं नहीं पढ़ाऊँगा तुम्हारे पढ़ने के लिए पढ़ लो इतनी देर मैं एक बात होता तो कल स्मृति मैम ने अपनी क्लास में कहा कि कपिल सर ने मुझे रोज़ नहीं दिया रोज़ डे पर तो मैंने मैंने पीछे से तो बैकग्राउंड मेरी वॉइस आई है ना बैकग्राउंड वॉइस मैं उस क्लास में देता हूँ कई बार तो बैकग्राउंड मेरी वॉइस आई सिर्फ ऑडियो ऑडियो कि इंसान को आ, गुलाब देने वाला ना बन के है ना धनिया लाने वाला इंसान बनना चाहिए है ना सही बात है ना मतलब एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो आपके लिए रोज़ ना लाए वो आपके लिए धनिया लेकर आए यानी ये सब्जी खरीद कर लाए तो वो बात चल रही थी कल हमारी क्लास में तो उसी पर बंदे ने कहा कि धनिया लेकर आए क्या नहीं आए सर आप है ना तो ये थोड़ा कंटेक्स था उसका बैकग्राउंड था हमारी बात का धनिया वाली बात का है ना चलो पढ़ लिया ये टॉप 50 बिजनेस स्कूल अंडर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम एम्प्लॉयबिलिटी रिसर्च टॉप ट्वेंटी इमर्जिंग स्कूल्स इसमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक इंस्टीट्यूशन दे रखा है फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक ये आपके टॉप पांच रैंक है तो जितने रैंकिंग दे रखी है पढ़ लेना अच्छे से समझ लेना याद कर लेना भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ठीक है ओके अच्छा सुधीर चौधरी ने बोला था अरे चैनल पर ये लाइन धनिया वाली अच्छा पता नहीं यार कल वायरल बहुत हो रही है लाइन मतलब ये लाइन ऐसी नहीं है कि मेरी ओर नहीं मैंने बहुत जगह पढ़ ली कम से कम मैंने सात आठ जगह पर ये लाइन पढ़ ली मुझे नहीं पता कहां से है ये लाइन में में लाइव क्लास में बेटा हो गई लाइव क्लासेज जितनी होनी थी अब तो सिर्फ रिकॉर्डिंग बची है अब हो गया उसका कोर्स कंप्लीट हो गया वो ओके तो रैंकिंग कंडक्ट की गई अहमदाबाद बेस्ड मैक्शन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ठीक है ओके अंडर दें मेंटरशिप ऑफ फेडरेशन फॉर दी वर्ल्ड एकेडमिक्स अकॉर्डिंग टू आईआरएफ आर रैंकिंग अस्ज्ड ओवर 300 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड प्रोवाइड रैंकिंग टू 50 गवर्नमेंट एंड 160 प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन सिक्स कैटेगरी छह कैटेगरी में यहां पर अलग अलग लेवल पर यहाँ पर रैंकिंग दी गई है इनको ठीक है एक दो तीन चार और ये पांच और छः छः तरीके से यहाँ पर अलग अलग लेवल पर रैंकिंग दी गई है इनको और ये रैंकिंग इसके द्वारा दी गई है. अब रैंकिंग बेस्ड किस पे है रैंकिंग बेस्ड इनके ऊपर है की पैरामीटर टीचिंग इंडस्ट्री इनकम प्लेसमेंट परफॉर्मेंस रिसर्च प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी फ्यूचर ओरियंटेशन एक्सटर्नल परसेप्शन इनके ऊपर यहाँ पर सात चीजों के ऊपर यहाँ पर बेस्ड है रैंकिंग तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है अमंग फॉलोइंग विच इज नॉट दी की पैरामीटर गिवन बाय दईर एफ मैनेजमेंट रैंकिंग बड़ा ही आजकल पॉपुलर क्वेश्चन है मतलब इस तरह का एग्जामिनर ये चीज बड़ी आजकल पूछ रहा है कहीं पर भी इंडेक्स में उसको पैरामीटर मिलते हैं ना कोई भी इंडेक्स ऐसा था जिसमें पैरामीटर मिलते हैं तो पैरामीटर में क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। हम याद करते रह जाते हैं ये वाली चीजें रट्टे ये वाले मार के चले जाते हैं पूछ लेता है वो पैरामीटर अब इसलिए पैरामीटर को थोड़ा सा अच्छे और याद कर लीजिएगा छोड़ना मत पैरामीटर को वो छोड़ दो छोड़ दो पैरामीटर मत छोड़ना ठीक है एक और रैंकिंग आज की ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स यहां पर आता हुआ इस ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में यहां पर आपके मुकेश अंबानी जी का नाम आता हुआ इसमें ब्रांड फाइनेंस ने जो रिलीज की उसमें पूरी दुनिया में यहां पर मुकेश अंबानी जो है ये रैंकिंग बेसिकली जो सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी कंपनी के या फिर उ, उसी पद पर अगर वो हैं तो उन्हीं की यहाँ पर एक ब्रांड गार्जियनशिप मतलब उस ब्रांड को किस तरह से गार्जियनशिप गार्जियन बने हैं किस तरह से उनको उठाया उस ब्रांड को तो उसके बेस पर यहां पर आपका टॉप रैंक सीईओ को यहाँ पर कहा गया है रैंकिंग दी गई है जो मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर रहे हैं पूरी दुनिया में पहले टेंसेंट कंपनी के हु मा है निविडिया के हुआंग हुआ टिम कुक जो कि एप्पल के, के हैं और नटराजन चंद्रशेखर टाटा के हैं ये भी इंडिया के ही हैं पांचवें स्थान पर रहे ठीक है और इंडिया के टॉप पांच की बात करूं इंडिया के टॉप पांच है, जो दूसरे पांचवें छठे सोलवे और बाईसवें नंबर पर रहे हैं ये है मुकेश अंबानी नटराजन चंद्रशेखर अनिश शाह सलील पारेख और शशि शशि जगदीशन जो कि एच बैंक के हैं बाईसवें स्थान पर रहे ये बैंकिंग सेक्टर का आ गया ठीक है तो ये कंपनी के बारे में लिखा है कंट्री आ गई सामने आपके और सीईओ कंपनी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है याद कर लेना ठीक है इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स इसमें से निकल कर आते हैं जो यूनिक है इस न्यूज़ में और यूनिकनेस क्या है ब्रिटिश इंडियन लीना नायर आपने नाम सुना होगा इनका नहीं आपने ये जरूर नाम सुना होगा शनैल इसको चैनल नहीं बोलते इसको शनैल बोलते हैं ठीक है ये मुझे भी पता लगा था तो शादी के बाद ही पहले नहीं पता था पहले में पहले पार तो पहले हमने पढ़ा ही नहीं सुना ही नहीं था इसके बारे में कि ऐसा क्या होता है ना बाद में पता लगा कि चैनल नहीं होता मतलब पहली बार जब पढ़ा मैंने कहा ये क्या चैनल है कहते नहीं शनाल है कहती मतलब धर्म पत्नी जी कहते है, नहीं, शनेल है. तो शनैल है ये आपका सो इसकी ग्लोबल जो है, लीना नायर इनको दुनिया की टॉप फीमेल सीओ जिनका नाम ही इतना अलग तरीके का है ना उन्होंने नाम देखो नाम सोचने भी उन्होंने और उसकी ऐसी सामने वाला इंसान सोचने मजबूर हो जाए कि ऐसा क्यों है तो उसके दिमाग में हमेशा छप जाता है ये भी एक टैक्टिक है ब्रांड को बिल्ड करने की देख लो कि आप उस नाम को कुछ ऐसा रखो जो नाम यहां पर लोग गलत प्रनाउंस करें और जब गलत प्रनाउंस करेंगे तो उसको याद करने में उनको ज्यादा समय लगेगा और लंबे समय तक तो वो रिटेन रहेगा ये भी एक टैक्टिक है सही बात है ना अब देखो मैंने मैनेल्स नॉर्मल हम अगली न्यूज पढ़ेंगे मुकेश अमनी सिक्योर टॉप स्पॉट ठीक है हो गया है ना अगली न्यूज पढ़ेंगे ब्रांड फाइनेंस पोजिशन इन्फोसिस अमंग टॉप थ्री मोस्ट वैल्यूबल आई सर्विस ठीक है हो गया लेकिन अब ये वाली न्यूज को मैंने कितना आपको एक दो लाइंस और बता दी अपना एक्सपीरियंस बता दिया तो आपके माइंड में भी ये याद रहे ना लेकिन शनाल जरूर याद रहेगा रहेगा कि नहीं रहेगा है ना तो एक तरीका है ब्रांड को बिल्ड करने का को है ना हम भी मेरा लर्निंग नीति भी नाम डाल दो यार टॉप तो बिजनेस स्कूल्स में हम भी कई बार बिजनेस के कुछ लेक्चर दे ही देते हैं बढ़िया वाले ना एक आधा पॉइंट हम भी दे देते हैं हमें भी रैंकिंग दे दो कुछ खैर जनसन हुआंग निविडिया के नंबर वन बने ब्रांड वैल्यू ग्रोथ ये ग्रोथ में यहां पर नंबर वन बने हैं ठीक है और आईटी सर्विस में इंफोसिस आई है मुकेश अंबानी डाइवर्सिफाइड डाइवर्सिफाइड्स डाइवर्सिफाइड मतलब कि अब मुकेश अंबानी जो रिलायंस है रिलायंस ग्रुप है यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री को नहीं मिला रिलायंस ग्रुप को मिला रिलायंस ग्रुप यानी कि इसके अंदर रिलायंस की कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस वो रिलायंस वो रिलायंस दैट 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 आती है ना तो वही चीज रिलायंस ग्रुप है पूरा पूरा जिसमें यहां पर मुकेश अंबानी तो इसलिए इनको डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है कि बहुत सारे काम है बहुत सारे ब्रांड्स सा, है एक ब्रांड नहीं है रिलायंस ग्रुप है उसके नीचे कितने सारे ब्रांड्स काम करते हैं ठीक है ओके okay. आगे चलते हैं इंडियन नेवी कमीशन सर्वे वेसल आ...

संशोधक ओके okay, नाम अल, अलग से है ना निर्देशक इश, और संशोधक है ये तीन थ्री एसवीएल है इसके अलावा फिलहाल पहला एसवीएल जो है नाम है आयनस संदक इसको कमीशन किया गया है पीटी उषा जी नाम सुना होगा आपने इनको हम यहाँ पर एक और नाम से जानते थे क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड है ना क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड के नाम से जानते थे पी टी ऊषा जी ठीक है ये फिलहाल हमारे देश की जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी करंट प्रेसिडेंट भी हैं ठीक है एक एक बार उनको टेम्परेरी जैसे कमेटी जो बनाई है जो चला रही है उसको तो उसको यहाँ पर चलाने वाली है प्रेजिडेंट है ना नहीं अच्छा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तो प्रेजिडेंट ही है वो तो कमेटी दूसरी बनाई गई थी तो वेट लिफ्टिंग वाले के लिए उसके लिए बनाई थी कुछ टाइम के लिए इनको प्रेजिडेंट तो स्प्रिंटर दौड़ लगाती धावक थी पीटी उषा इनको यहां पर सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से लाइफ टाइम अचीवमेंट द्वारा दिया गया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ओके तो नेशनल लेवल की जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और दिल्ली के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है इनके द्वारा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया किसको दिया गया पीटी उषा जी को दिया गया जो कि हमारे देश की प्रेजिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की इनको क्या कहा जाता था क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता ठीक है उषा जी के अलावा इसी तरीके यही सेम अवार्ड ऑलरेडी कुछ खिलाड़ियों को मिल है जिनके नाम शायद आपने सुने होंगे ये पांचवी खिलाड़ी थी जिनको ये मिला था इससे पहले विजय अमृतराज आपके ठीक है आ, टेनिस के खिलाड़ी थे लिखा नहीं है टेनिस लिखा हुआ है ना बैडमिंटन के खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण जी है ना ये वही है दीपिका पादुकोण जी के पिताजी ने है, है ना वही है ना क्रिकेट के सुनील गवास्कर और स्प्रिंटर मिल्खा सिंह मिल्खा सिंह जी के ऊपर मूवी बनी थी है ना तो ये चार खिलाड़ियों को और मिल चुका है पुरस्कार ये वाला लाइफ टाइम और ये पांचवा पुरस्कार है तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सिर्फ पांच ही पुरस्कार दिए गए ये भी सोचने वाली बात है ऐसा तो है नहीं कि रेगुलर दिए गए एवरी ईयर दिए गए पांच ही पुरस्कार दिए गए और सभी खिलाड़ियों के नाम आपको तुरंत याद भी हो गए होंगे मिल्खा सिंह सुनील गवास्कर प्रकाश पादुकोण और विजय अमृतराज विजय अमृतराज है ना ये चार खिलाड़ी और पी टी ऊषा आई होप सो भूलोगे नहीं यहीं पर ही आपको याद हो गया होगा राइट ओके चलो आगे चलते हैं हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अपॉइंट किया गया आर्मी का वाइस चीफ ओके वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एम वी कुमार की जी की जगह लेंगे उपेंद्र द्विवेदी जी लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ बने हैं आपके आर्मी के आर्मी के वाइस चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ये कुछ यहाँ पर हाल फिलहाल में सात हाईकोर्ट्स में जजेस का इधर उधर शिफ्टिंग हुई है ठीक है तो ये करने को कर सकते हो छोड़ने को छोड़ सकते हो ये वो वाला न्यूज है ठीक है आपके ऊपर है याद होते हैं अच्छी बात है नहीं होते है, तो छोड़ देगा ठीक है आएगा क्वेश्चन तो आएगा क्या ही कर सकते हैं इतना कहे, कहे याद कहा, कहा याद करके प्रैक्टिकली कहाँ याद करोगे इतना और इतना नांगोलो ममूबा मैं कोई पहला टीचर मिलता होगा तुम्हें ना जिससे तुम पढ़े होगे और वो कहता होगा छोड़ देना स्कूल में भी तुम्हें ऐसा कोई टीचर नहीं मिला होगा ना बेटा छोड़ देना इसको मत पढ़ना यार क्या होगा वो और साथ में ये और बोलता है एग्जाम में बेटा आएगा लेकिन छोड़ सकते हो ये डायलॉग तो तुमने किसी टीचर से बचपन से नहीं सुना होगा पहला टीचर मिला होगा जो ये डायलॉग मारता है अरे बेटा पढ़ने को पढ़ लेना छोड़ने को छोड़ देना लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है देखो वो ग्रेन वो मैं नहीं कहूंगा एग्जाम में नहीं आए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ठीक है नंगोलो कहा गया नंगोलो ममूबा कल हमने पढ़ा था नामीबिया के वाइस नामीबिया के जो प्रेसिडेंट थे उनका निधन हो गया था है ना हेज गियान गोप का और अब उनकी जगह पे बनाया गया नंगोलो ममूबा को जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे नामीबिया के उनकी जगह पे इनको प्रेसिडेंट बना दिया है नामीबिया का इन्होंने उसकी शपथ ग्रहण कर ली यमन ने अहमद अबाब बिन मुबारक को यहां पर अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया है वहां के फॉरेन मिनिस्टर थे अहमद अवध बिन मुबारक ओके मुबारक जी को यहां पर कंट्री का न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है यमन के द्वारा यमन ने अपॉइंट किया है ओके और पहले के मईन अब्दुल मलिक सईद है मईन अब्दुल मलिक सईद जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे अब उनकी जगह पर अहमद अवध बिन मुबारक को बनाया गया है अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी खबर इस बार संडे संडे अपना फ्री रखना है ना पिछली बार संडे मैंने फ्री रखवाया था ना एक दो हफ्ते पहले इस बार संडे फ्री रखना पहले बता रहा हूं है ना क्या होगा कल बताऊंगा अभी फिलहाल संडे फ्री रखना कहीं जाना नहीं है संडे को बहुत बड़ा कुछ आने वाला है ना संडे फ्री रखना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी मेड अ सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट एट द डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच इन पुणे मतलब संडे फ्री रखने का सेंस इधर है कि घूमने फिरने का प्लान हो तो कैंसिल करना है ना और दूसरी चीज़ अगर कोई पढ़ाई का प्लान हो कि सर और कुछ प्लान करना है इस संडे को तो वो भी निकाल देना अपने शेड्यूल से है ना कुछ चीज़ आ रही है मेरी तरफ से आ रही है उसको शेड्यूल करना है अपने को सिर्फ संडे को ठीक है कल बताऊंगा क्या सीडीएस अनिल चौहान रिवील्स ए नेशनल सिक्योरिटी बुक जो है पुणे में एक इवेंट हो रहा था वहां पर कलम एंड कवच करके ठीक है आ, कलाम या कवच कवच जो भी है कलाम और कवच है ठीक है तो उससे रिलेटेड वहां पर पुणे में इन्होंने एक बुक को अनवील किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी यहां पर आपका एंड ये आपका किया गया है सी अनिल चौहान जी के द्वारा इसको अनवील ए नेशनल सिक्योरिटी बुक इन पुणे ओके, आई थिंक सो खत्म हो गया सेफर इंटरनेट डे क्या ऑब्जर्व किया जाता है कौन सा दिन है आज तो लिखा हुआ है ना कल की तरह तो नहीं है ना फ़रवरी को और थीम है इंस्पायरिंग चेंज मेकिंग अ डिफरेंस मैनेजिंग इन्फ्लुएंस एंड नेविगेटिंग चेंज ऑनलाइन ठीक है ओके इवनिंग मॉर्निंग मत करो पूरा दिन ही होगा जो होगा ठीक है मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून खत्म है संडे तुम्हारा खत्म कर दिया बस मैंने तुम्हारी जिंदगी से संडे निकल दिया एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए संडे नहीं है इस ये संडे नहीं है तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए मेरे नाम है सब कुछ है उस दिन ठीक okay? है ओके चलो दैट्स इट एंड करते हैं आज के सेशन को एंड uh, अगर इनकेस मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे दो कोर्सेज अवेलेबल हैं ये वाला एक कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको वीडियो प्लस पी प्लस क्विजेस कोर्स मिलेगा और ये वाला कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको मेरा ये क्रॉसवर्ड पैकेज मिलता है जिसके अंदर पीडीएफ प्लस क्विजेस कोर्स मिलेगा तो ये दोनों कोर्सेज आप यहाँ पर उपलब्ध हैं आइए मोस्ट वेलकम कीजिए ज्वाइन बढ़िया से कीजिए ज्वाइन एंड दोनों में से जो भी आपको अवेल करना चाहें आप आसर कर सकते हैं राइट ठीक है चलो एंड करते हैं आज के सेशन को एंड uh, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में ठीक है अभी मैं वीकली रिविज़न अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा मैं आज लूँगा आपकी शाम को या रात को लूँगा आज वीकली रिविज़न ठीक है अभी मैं लेट करते हैं अब उस सेशन को अभी नहीं करूँगा शेड्यूल मुझे अभी बीच में एटलीस्ट बीस पच्चीस मिनट लगेंगे पंद्रह बीस मिनट उस फाइलिंग को सेट करने में तो अभी फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे uh, अभी नहीं करते हम शाम को या रात को मैं आपको क्लास शेड्यूल करूँगा वीकली क्लास आज ही करेंगे करेंगे आज ही क्या टाइम रहेगी मैं बता दूंगा आपको ठीक है तो फिलहाल आज करते हैं इस सेशन को एंड यहीं पर सेशन कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में और किसी तरह कोई क्वेरी बची है तो पूछ लो नहीं तो सेशन एंड करते हैं और आर बी ग्रेड बी की वीडियो बारे में क्या हुआ तब तक आएगी प्लीज और यार आर बी ग्रेड बी यार तुम फिलहाल आर बी कॉर्नर मेरे द्वारा आर बी कॉर्नर प्रोवाइड जो किया जा रहा है ना वो आर बी ग्रेड बी का फेज़ वन और फेज टू दोनों में काम आएगा उसको एक बार कर लो यार है ना बाकी देखता हूँ एक बार लेट मी डिस्कस विद माई टीम है ना क्योंकि हम कोई भी फैसला बिना टीम डिस्कशन के नहीं लेते बाकी सबसे भी उसके ऊपर डिस्कशन करना पड़ता है हम कोई भी वीडियो अगर मेरी भी कोई वीडियो आ रही है हर्षल सर की स्मृति में कोई भी वीडियो आ रही है हमारी टीम में से अगर अर्जुन सर की भी कोई आ रही है हमारी टीम में से दूसरे के वीडियो की भी सजेशन हम दूसरे से पहले लेते हैं एक दूसरे के साथ डिस्कशन होती है चीज़ों को फिर वो आउटकम आता है ठीक है लेट मी डिस्कस रिगार्डिंग आरबी ग्रेड भी विद टीम और फिर डेफिनेटली विद इन फ्यू डेज में आपको अपडेट करता हूं ठीक है ओके एनी वन एल्स एनी थिंग कुछ पूछना है कुछ क्वेरी है तो पूछ लो नहीं तो फिर मैं सेशन एंड कर रहा हूं सर क्या मतलब एस बी ज्वाइन करने से पहले आप यही ट्रेनिंग दे रहे हो कि संडे को भी जाना पड़ सकता है ठीक है अच्छी बात है जी ये कहां से करना है कैसे करना है बेटा गणेश जी स्टार्टिंग इस वीडियो के स्टार्ट के कुछ मिनट देख लेना समझ में आ जाएगा ठीक है सर दूसरा मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कब आएगा आ जाएगा बेटा आज कल में आ जाएगा ठीक है कल तक आ जाएगा चलो टेक केयर बाय बाय सी यू अगेन मिलते हैं फिर जय हिंद वंदे मातरम